हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, और इस अपडेट में हम आपको श्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का बयान भी आपको सुनाएंगे। जी हां, उन्होंने क्या संदेश दिया है मुंबईकर्स के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और उन्होंने क्या कहा है। जी हां, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे आप उनके खुद जुबानी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर प्रतिबंध लग चुका है सोमवार से, यानी जी हां दोस्तों, यानी आज से। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे विस्तार से, एक एक करके। इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा। लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दोस्तों कई राज्यों में। जी हां, ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के नए स्ट्रेन के आने की पुष्टि हुई है, और साथ ही जिन शहरों में, जैसे कि महाराष्ट्र में और केरल में, ये दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 74% से ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी से जो है पाए गए, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरा इन दो राज्यों में ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर कोरोना वायरस के जो है नए स्ट्रेन आने की वजह से लॉकडाउन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू कर दी गई। महाराष्ट्र में कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू कहीं लगाया गया है, कहीं तो पूरा, जैसे कि अमरावती में तो पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया, यानी कि आप पूरा दिन जो है दुकानें बंद रहेंगी वहाँ पे। उसी प्रकार अब मुंबई में कब से होगा, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा है, संदेश दिया है मुंबईकर्स के लिए, महाराष्ट्र के लिए। आता शेवटचा प्रश्न आहे, लॉकडाऊन करायचा का? हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतोय, आणि आपल्यालाही माहिती आहे, आपण घरातल्या घरात हो नाही असं बोलला असाल, माझं आपल्याला ऐकू येते, आपलं मला ऐकू येत नाहीये। आणि या प्रश्नाचं उत्तर मी पुढचे 8 दिवस आपल्याकडनं घेणार आहे। कसं घेणार? येऊन तुम्हाला भेटणार का? नाही, मी बघणार। ज्यांना लॉकडाऊन नको आहे ती लोक, ह्या सूचना ज्या आहेत, मास्क वापरणं, हात धुणं आणि अंतर ठेवणं, हे पाळतील। आणि ज्यांना लॉकडाऊन हवा आहे ते विना मास्कचे फिरतील। बघूया किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे आणि किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। लॉकडाऊन म्हणजे माझं तर म्हणणं स्वच्छ आहे, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, शिस्त पाळा, लॉकडाऊन टाळा। मग काही जण म्हणतात की थोडंसं हिंदी में बोलिए, ठीक आहे, 2 लाईन हिंदी में बात करता हूं। क्या आपको लॉकडाऊन चाहिए? लॉकडाऊन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसीलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज़ हमेशा मैं कहते आ रहा हूँ, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। तो दोस्तों, देखा आपने श्री उद्धव ठाकरे जी ने किस प्रकार से जो है अपनी तरह से जो है अपनी बात रखी आम जनता के सामने, साथ ही मुंबईकर्स, महाराष्ट्र, पूरी जनता के सामने, कि आपके ऊपर डिसाइड किया करने को कहा गया कि आप चाहते हैं लॉकडाउन लगाना तो आप जो है मास्क मत पहनिए, अगर आप नहीं चाहते कि वापस से एक बार लॉकडाउन लगे तो आप मास्क का जो है इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सरकार खुद नहीं चाहती कि वो लॉकडाउन लगाए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक कोई ऐसा नेता आपको देखने को नहीं मिला होगा कि जो जनता से राय लेकर लॉकडाउन लगाने की बात कही हो। जी हाँ, अभी तक जितने भी मंत्री या नेतागण बने हैं, जो भी चाहते हैं अपने हिसाब से फैसला ले लेते हैं, लेकिन श्री उद्धव ठाकरे जी ने खुद सामने आकर ये बात कही, मराठी में और हिंदी में, दोनों ही भाषाओं में उन्होंने सम्मान दिया, और दोनों ही भाषाओं में उन्होंने एक ही सवाल पूछा कि अगर आप चाहते हैं लॉकडाउन में लगाओ तो आप जो है मास्क मत पहनिए, अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगे तो आप मास्क पहनिए, तो यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ा गया है। तो दोस्तों, साथ ही अब इसका सीधा असर आपके लोकल ट्रेन पर भी पड़ेगा। जी हाँ, अगर आपको 8 दिन का समय दिया गया है, 8 दिन के भीतर उन्हें जो है रिपोर्ट जाएगी, जो BMC के स्टाफ्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो अधिकारीगण हैं, तमाम लोग ये जानकारी जो है मुख्यमंत्री साझा करेंगे, और इस जानकारी के बाद ही जो है ये फैसला लिया जाएगा कि मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। यानी 8 दिन के भीतर अगर कोरोना के केसेस नहीं बढ़ते और सभी लोग नियमों का पालन करते हैं तो श्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन सोमवार से कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर दे दिया गया है, जैसे सोशल गैदरिंग करने को मना कर दिया गया है, कोई भी जो है समारोह जो है सभा हो, चाहे चुनावी सभा हो, चाहे किसी की मीटिंग्स वगैरह हो, किसी भी प्रकार की जो है अब नहीं चलेगी। पब वगैरह पर भी जो है पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। तो आने वाले कुछ समय आपको सेफ रहना, सुरक्षित रहना, ताकि आप लॉकडाउन से